Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पहले लोग खुले में नदी तालाब में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक स्नान घर बनवाए जाते हैं जो पूरी तरह से गोपनीय होते हैं। हम में से अधिकतर लोग पूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं जो स्वाभाविक और आम बात है, लेकिन पद्म पुराण में पूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान करना वर्जित माना गया है, साथ ही इसकी हानि भी बताई गई है। इस पुराण में उल्लिखित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गोपियों को खुले में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के विषय में ज्ञान देते हैं। पद्म पुराण में चीरहरण की कथा का उल्लेख करते हुए बताया गया कि गोपियां अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने जल में जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और जब गोपियां वस्त्र ढूंढती हैं तो उन्हें वस्त्र नहीं मिलते। ऐसे में भगवान कहते हैं कि गोप कन्याओं, तुम्हारा वस्त्र वृक्ष पर है, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण गोपियां जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताती हैं और कहती हैं कि वो निर्वस्त्र हैं, ऐसे में जल से बाहर कैसे आ सकती हैं। साथ ही गोपियां कहती हैं कि जब वो नदी में स्नान करने आईं तो उस समय वहां कोई नहीं था। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहती हैं कि तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें देखा और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा। महापुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके पास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज बल धन और सुख नष्ट हो जाता है, इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.